वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टे क्लासी एनएस। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू लेके आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। और जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था एक प्रोडक्ट रिव्यू, वो था फीट मास्क। तो आप में से कई सारे लोगों ने उसको ट्राई भी किया होगा और कई सारे मेरे कहने पे भी किसी ने उसको परचेस किया होगा। तो आज मैं आपके साथ ये हैंड मास्क शेयर करने वाली हूँ। ये है गुड वाइब्स का, कुकुम्बर का है ये, और मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया है तो मैं इसको पहली बार ही ट्राई करूँगी। आप में से कई सारे लोगों ने इसको ट्राई भी किया होगा, तो डेफिनेटली अगर आपने ट्राई किया है ऐसा कोई प्रोडक्ट तो मेरे साथ उसका रिव्यू या फिर कमेंट्स में आप मुझे उसके रिव्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए फर्स्ट ही टाइम है तो मैं इसको यूज़ करूँगी, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसको ट्राई कैसे करना है और ये सारे स्किन टाइप पर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ डाउट नहीं है। ये सारे स्किन टाइप पर यूज़ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये आप 18 प्लस से है तो ये सारे सारे के लिए ये इजीली अवेलेबल है। और ये आपको पर्पल ऐप पे इजीली अवेलेबल है, आई थिंक ये 99 रुपीज़ का ही मुझे मिला था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप चेकआउट करना ना भूलें। तो चलो इसको चेक करते हैं कैसा मास्क है, बिकॉज मैंने पहली बार ही इसको ट्राई किया कर रही हूँ, मैंने इससे पहले ट्राई नहीं किया था। तो चलो इसको कट करते हैं। इसको ट्राई करने से पहले आपको आपके हैंड्स अच्छे से क्लीन करने हैं। जैसे हम शीट मास्क अप्लाई करते हैं, फीट मास्क अप्लाई करते हैं, उससे पहले हमें अच्छे से अपने फेस को, हाथ को, पैरों को अच्छे से क्लीन करना होता है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ हमें मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो ये हैंड ग्लव्स जैसे होते हैं वैसा वाला ही है ये, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये सॉरी, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये हैंड ग्लव्स ही है, ये दो हैंड ग्लव्स, ठीक है। तो ये हमारे दो हैंड ग्लव्स है, ठीक है। और जैसे हमें फीट मास्क का फीट का साइज का मिला था वैसे ही हमें ये दो हैंड मास्क मिले हैं। तो अभी इसको हम अप्लाई करेंगे, इसको भी सेम यहाँ पे यहाँ पे भी सेम उन्होंने एक चिपकाने के लिए दिया हुआ है स्टिक के जैसा, और यहाँ से ये हमें कट करना है पोर्शन। इसमें हमें अपना हाथ इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये आपको चेक करना है ये राइट का हैंड का है या लेफ्ट हैंड का, उसी तरफ से आपको ये दोनों हैंड मास्क अपने हाथों में अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है हाउ टू यूज़ करके, उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि हमें ये मास्क अप्लाई करने से पहले आपके हाथों को अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद ये मास्क को आपको 15 से 20 मिनट के लिए अपने हाथों पर अप्लाई करना है और उसके बाद रिमूव करना है। जितना भी एक्सेस लिक्विड होगा वो आपको अच्छे से मसाज करना है अपने हाथों में, और आपको रिंज नहीं करना है बिकॉज ये जो लिक्विड होता है वो आपके हाथों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, सूदन करेगा, सॉफ्ट करेगा। अगर आपके हाथों पे पफीनेस है उस पर भी अच्छे से काम करता है। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आपके हाथों पे पफीनेस है या फिर सनबर्न हुआ है या फिर कुछ इरिटेशंस है, ड्राइनेस है आपके हाथों पे, तो उसको भी ये सूदन करने का काम करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। बिकॉज कुकुम्बर है तो डेफिनेटली आपके हाथों को सॉफ्ट करने में, मुलायम करने में, इरिटेशंस को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगा। और बाकी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे दिए, इंग्रीडियंट्स दिया है, तो ये और ये वन टाइम यूज़ ही है गाइस, इसको आप 2 से 3 बार यूज़ नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने कट किया तो उसको आपको एक ही बार यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया हुआ है, ये मार्च 2022 में हुआ है और एक्सपायर होगा फेब्रुअरी 2025 में, मतलब 3 साल का इसका शेल लाइफ है, ठीक है। और यहाँ पे MRP 199 रुपीज़ का है, बट ये आपको पर्पल ऐप पे आपको आई थिंक 99 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ का आपको मिल जाता है। मैं इसका लिंक आपको साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ भी लिक्विड नहीं है, ये पूरा ड्राई है। और चलो तो फिर हम ये स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बिकॉज मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ इसका, बिकॉज मैंने भी ट्राई नहीं किया पर्सनली, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट डेफिनेटली ये बहुत काम की चीज़ होगी आपके लिए, तो आप देखना ज़रूर। तो हम इसको भी कट कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑलरेडी कैंची लेके बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे, ओके। तो ये कट हो चुका है,
है और मैं मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कौन से हाथ का है। ओके ये लेफ्ट लेफ्ट हैंड का है ये। ओके मैंने ये लेफ्ट हैंड इसमें ऐड कर दिया है अभी। जैसे क्या मैंने देख लो पीछे ले देखने में। ओके एग्जैक्टली अपने हाथ का ही साइज का है ये जैसे कि आप देख रहे हो। यहाँ से मैं इसको निकाल दूंगी ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे टेप उन्होंने लगा रखी है। ओके तो यहाँ से जो टेप है हम इसको रिमूव करेंगे। ओके और ये चीज़ हमें ऐसे लेके अच्छे से आपको ये फिट करना है। ठीक है ये मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से लेके ये इसको स्टिक किया। ठीक है काफ़ी लिक्विड है इसके अंदर अभी देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से अभी अप्लाई किया हुआ है। मैंने अच्छे से अपने हाथों को क्लीन किया होता उसके बाद मैंने अप्लाई किया है। अगर आपके हाथ गंदे हैं तो आप डेफिनेटली इसको क्लीन करके अपने हाथों को अच्छे से साफ करके ही ये मास्क अप्लाई करें। ठीक है अभी सेम मैं राइट हैंड के साथ करती हूँ फिर आपसे तो ये कंप्लीट कर लिया है हैंड मास्क मेरा। ठीक है अभी हम इसको हम रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद मैं इसको निकालूंगी और इसका अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी। डेफिनेटली ये आपको एक एक रिजल्ट में आपको ये बिल्कुल भी इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपको पता नहीं चलेगा। वीक में या फिर 15 डेज में आप इसको यूज़ करते हो 15 दिन में एक बार या फिर महीने में दो बार या फिर अगर आप जब भी स्किन केयर करते हो तो आप अपने हाथों का पैरों का भी ये केयर करने के लिए मंगा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के ऐसा होता है कि जिनके हाथ बहुत ही ज़्यादा ड्राई होते हैं जैसे कि घर के काम करती औरतें जो हाउसवाइफ्स होती है या फिर हाउसवाइफ ऐसे नहीं कि सिर्फ हाउसवाइफ के ही हाथ ड्राई होते बाहर मतलब जो वर्किंग वूमेंस हैं उनके भी हाथ बहुत ज़्यादा मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई है हैंड्स मतलब मेरा स्किन ही बहुत ड्राई है इसीलिए मेरे हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा ड्राई होते। तो जिनका स्किन जो है ड्राई होता है या फिर बहुत जल्दी स्किन फटता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें। बिकॉज ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है नरिश करता है रिलैक्स करता है आपकी स्किन को और साथ ही आपके अगर स्किन पे कुछ पफिनेस होगा ड्राइनेस होगा या फिर कुछ भी चीज़ें ऐसे होती है इरिटेशंस होती है हैंड्स को तो उसी के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। डेफिनेटली आप इसको ट्राई दे सकते हो बिकॉज अभी मैंने इसको अपने हैंड्स पे अप्लाई किया तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ठंडा महसूस हो रहा है और काफ़ी इसमें लिक्विड बाकी है तो अच्छे से हम इसका यूज़ करेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए हम रखेंगे उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है सो अभी हो चुकी है 20 मिनट तो 20 मिनट के बाद मैं इसको रिमूव करूँगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा चिपक चुका है और यहाँ से लिक्विड भी बाहर आ रहा है इसलिए मैं इसको रिमूव करूँगी अभी। ठीक है तो पहले मैं लेफ्ट हैंड का रिमूव कर लेती हूँ। ओके सॉरी ओके ओके सो जैसे कि आप देख रहे हो दिख रहा है नहीं दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा इसमें लिक्विड बाकी है। ओके तो मैं ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें बहुत ही लिक्विड बाकी है तभी मैं यहाँ से भी इसको रिमूव कर लेती हूँ। इसमें और भी लिक्विड बाकी है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत इसमें ज़्यादा लिक्विड बाकी है तो अभी मैं अच्छे से अपने हाथों को मसाज दूंगी जब तक ये जो लिक्विड है ये मेरे हाथों में अच्छे से मर्ज नहीं हो जाता या फिर पूरा का पूरा सोक नहीं कर जाता मेरा स्किन इसको अच्छे से। मैं पूरा अपने हैंड्स पे भी अप्लाई करूँगी इसको बिकॉज बहुत ज़्यादा है इसीलिए। ठीक है इसके आप देख रहे हो कि कितना ग्लो कर रहा है और मुझे काफ़ी स्मूथ हो चुकी है मेरी स्किन मैं महसूस कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सूदिंग लग रहा है मुझे। और ये वीक में एक बार या फिर 15 डेज में एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स।
अगर हमारी स्किन जैसे कि अभी वेदर जैसे चेंज होता है, वेदर के हिसाब से हमारा स्किन टेक्सचर भी चेंज होने लगता है, तो इसी के लिए आप ऐसे मास्क या फिर हैंड क्रीम अप्लाई कर सकते हो। और डेफिनेटली आप अपने फेस के साथ साथ हाथों की पैरों की भी आप केयर कर सकते हो ऐसी चीज़ों के साथ। डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो ये इजीली मेरे हाथ से निकल रहा है, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं बहुत ही, मतलब ये ऐसा तो निकलता नहीं है जब मेरे ड्राई हाथ होते हैं, और ये इजीली भी जा भी रहे थे जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं मेरे हाथ, और पूरा का पूरा लिक्विड जो था अभी स्किन में ऑब्जर्व हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हो। स्मेल कुकुम्बर जैसी ही है, ककड़ी जैसी स्मेल है, तो इतना ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, इतना हार्ड या फिर हार्ड स्मेल नहीं है, बहुत ही माइल्ड है, सूदन स्मेल है। आप ये डेफिनेटली रात में इसको ट्राई करके आप सो सकते हो, और अच्छे से आपको हाथों को मसाज देना है, और ये डेफिनेटली काम करता है। मुझे सच में बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स मिले, पहले इसमें मुझे अच्छा खासा रिजल्ट मिल चुका है, अगर मैं इसको बार बार ट्राई करूँगी तो डेफिनेटली मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होने में, और जितना भी हाथों में ड्राइनेस होता है वो ख़त्म होने में मेरी हेल्प करेगा। सो आई रियली लव दिस, और आप मेरे हाथों की शाइन भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसने टेक्स्चर दिया है मेरे हाथों को, बहुत ही अच्छा है। डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो मेरे कहने पे, मेरी ओर से ये प्रोडक्ट के लिए थम्स अप है। सो डेफिनेटली आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो, इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स में आपको ये हैंड मास्क मिलेगा, तो आप अपने हाथों की केयर के हिसाब से उसको परचेस कर सकते हो। मैंने कूलिंग सेंसेशन वाला लिया था, तो आप बहुत सारे इसमें वैरायटीज़ है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और आई होप ये मेरा प्रोडक्ट रिव्यू आपको अच्छा लगा हो, अगर लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी अलग अलग वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू लाइक माय वीडियो। सो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।